हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कविता यादव, एसएस टीचर, सूरज स्कूल, महेंद्रगढ़। बेटा, हमारा 9th क्लास का चैप्टर चलेगा, क्लास 9th सिविक्स में चैप्टर 3rd, जिसका नाम है इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स। इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स इस चैप्टर में हम इलेक्शन क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी कंट्री के लिए, इलेक्शन क्यों जरूरी है, इलेक्शन में जो इलेक्शन कंपटीशन होता है उसके मेरिट्स डीमेरिट्स, इस पूरे चैप्टर में हमें इलेक्शन के बारे में पता चलेगा। इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, इलेक्शन में कौन लोग कैंडिडेट होते हैं, वोटर लिस्ट क्या होती है, जनरल इलेक्शन क्या होते हैं, बाई इलेक्शन क्या होते हैं, इस पूरे चैप्टर में हमने इस बारे में स्टडी करनी है। जितने भी हमारे जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, मोस्टली डेमोक्रेसी कंट्री में राइट टू पीपल हैव राइट टू वोट एंड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब करेंगे डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेसी पीपल हैव ए राइट टू वोट choose their representative. Representative. इस चैप्टर में हाईलाइट होंगे, इस चैप्टर में जो हाईलाइट बातें हैं वो देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, एक तो ये होगा, ये किसको फोकस करेगा, इट आल्सो फोकस ऑन हाउ इलेक्ट्रल कंपटीशन among parties अब इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इलेक्शन क्यों जरूरी है, why do we need election? डेमोक्रेसी कंट्री में, मोस्टली डेमोक्रेसी कंट्री में पीपल्स को राइट है अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, यानी कि वो वोट डालते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। फिर हमें उसके बाद हमने ये पता चलेगा कि इलेक्शन क्यों जरूरी है, why do we need election? और इलेक्शन से एक देश कैसे डेमोक्रेटिक बनता है, अब इसके बारे में हम पता करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे why do we need election? सबसे पहले हमें इसी पे फोकस करना है कि why do we need election? हमें इलेक्शन की जरूरत है। अब देखो, इलेक्शन वी वुड लाइक टू हैव ए प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ इलेक्शन विच हेल्प पीपल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शन में लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव, थ्रू द इलेक्शन पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शन के टेक प्लेस एट रेगुलर इंटरवल, जो इलेक्शन होते हैं वो रेगुलर इंटरवल में होते हैं, विच चेंज कैन बी मेड इफ रिक्वायर्ड। और इलेक्शन में अगर जरूरत होती है तो पार्टी चेंज हो जाती है। भारत में जो इलेक्शन का टाइम है वो आफ्टर फाइव ईयर भारत में इलेक्शन होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इलेक्शन क्यों जरूरी है, इलेक्शन हमारे लिए क्यों जरूरी है, कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्म द गवर्नमेंट, इलेक्शन में जो रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं, जो अपने नेता चुनते हैं, जो सरकार बनाते हैं, हमें क्यों जरूरत है। नंबर एक, इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिंग जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्म
द वोट, इसलिए कि जो हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं सरकार बनाते हैं। उसके बाद चूजिंग दोज हु मेक ला, जो कानून बनाए, एंड टेक डिसीजन फॉर देम, फॉर नंबर थ्री गेटिंग टू चूज द पार्टी, हूज पॉलिसी विल गाइड द फॉर्मेशन ऑफ लॉज। ये हमारे हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि इलेक्शन डेमोक्रेसी कंट्री में इलेक्शन की, मोस्टली जो डेमोक्रेसी कंट्री है वहाँ पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, राइट टू वोट चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद हमें इलेक्शन की क्यों जरूरत पड़ती है, हमारे भारत में जो इलेक्शन होता है एवरी आफ्टर 5 ईयर होता है कि इलेक्शन होते हैं, अगर हमें जरूरत होती है तो हम पार्टी चेंज कर देते हैं, अगर वो पार्टी अच्छा काम करते हैं तो एज इट इज़ वो पार्टी को हम वोट देकर हम वापस ले आते हैं। अब क्या करते हैं, इलेक्टिंग जो रिप्रेजेंटेटिव है हु फॉर्म द गवर्नमेंट, जो सरकार बनाएंगे, जो हमारे नेता जो हमने चुन के भेजे हैं वो फॉर्म द गवर्नमेंट करेंगे। चूजिंग दोज हु मेक लॉ, हम उनको चुनते हैं जो हमारे लिए कानून बनाते हैं और हमारे लिए डिसीजन लेते हैं। गेटिंग टू चूज द पार्टी, हम उस पार्टी को चुनते हैं हुज पॉलिसी, जिसकी पॉलिसी विल गाइड द फॉर्मेशन ऑफ लॉ। ये हमारा आ गया कि हमें इलेक्शन की क्यों जरूरत पड़ती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, इलेक्शन एक देश को कैसे डेमोक्रेटिक बनाता है। व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, अब हम ये पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जो बात होगी कि एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, इलेक्शन में डेमोक्रेसी कंट्री में इलेक्शन में सभी जो यूनिवर्सल फ्रांचाइज होते हैं वोट डालने का अधिकार होता है, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज नंबर टू, सभी को चूज करने का अधिकार होते हैं, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम पार्टी एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इसमें जो पार्टी होती है देश में एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस द कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। इलेक्शन शुड बी कंडक्ट इसमें जो कंडक्ट होते हैं इन ए फ्री एंड फेयर मैनर्स, अब देखो दोबारा क्या होगा, वट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, इलेक्शन जो है वो डेमो, वट मेक्स एन इलेक्शन
डेमोक्रेटिक, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, इसमें सभी को अपने अपने कैंडिडेट चुनने का अधिकार होता है। पार्टी और कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, कोई भी पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है, किसी को भी वो कैंडिडेट को अपनी टिकट देंगे इलेक्शन लड़ा सकते हैं। कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, और इलेक्शन शुड बी कंडक्ट, और डेमोक्रेसी कंट्री में जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर मैनर से कंडक्ट होंगे। I hope you will understand these two topics very well. Thanks. Have a nice day.